बैंकॉक जाके सीखा था क्या? हाँ सुने हम भी हैं, लेकिन कि बैंकॉक से जो सीख के आता है ना, उसका जो है मतलब लेने का जो स्टाइल होता है बड़ा डिफरेंट होता है, नीचे से आगे से पीछे से गजब गजब स्टाइल में लेते हैं सब। हाँ सोचो ना किस्मत कितना अच्छा है, मतलब एक तो लेने वाला इतना अच्छा, ऊपर से शादी किया है उसका भाई है, हाँ उसका बड़ा भाई जो शादी किया है, भाभी इतना मस्त मिली है यार। हाँ अरे बड़ा बड़ा शहर में जो पढ़ाई करती है तुमको तो पता ही है कैसा होती है लड़की वो भी देने में खूब एक्सपर्ट, बाप रे बाप क्या जो देती है। हाँ और क्या, अरे टांग उठा उठा करके बाप रे बाप गजब एकदम। वो भी लेकिन यार मतलब इतना जबरदस्त देती है ना उसकी भाभी, मतलब लेने वाला थक जाए लेकिन देते देते वो नहीं थकती है। हम सोच रहे हैं ऐसे सीखने के बाद फायदा क्या होगा ना, मतलब बीवी को तो खुश करेंगे ही साथ में, अरे हाँ बीवी का तो लेंगे ही लेंगे साथ में, जो सोसाइटी में जो नहीं इसकी दोस्त लोग सब जो बनी है बारी बारी से सबका लेंगे। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो गाइस अभी मैं बेसमेंट में गाड़ी निकालने के लिए आया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा अंधेरा है, मुझे बॉडी लाइट जलानी पड़ी है। तो आज मैं करने वाला हूँ एक डबल मीनिंग प्रैंक कुछ लेने देने की बात होगी, मुझे फोटो लेना है बाकी आप लोग वीडियो में देखिए क्या डबल मीनिंग प्रैंक होता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वाइफ मेरी बाहर वेट कर रही है, मैं जल्दी से जा रहा हूँ उसको रिसीव करता हूँ, उसके बाद चलते हैं मार्केट कुछ लेना है उसको। बेटी को जो है ना पूरा खांसी वासी हो गया है, तो उसका कुछ दवाई ववाई सामान वहाँ लेना है कुछ। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं प्रैंक में। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जो कीजिए, फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं ऊपर, इसको बंद करता हूँ मैं। भी आ गई, उसको काम समझा रही है। झोला क्या है जी, क्या है ये? तो बिस्किट रखा हुआ है। आप रखे हैं? नहीं नहीं गए थे मगासी के बिस्किट रखे हैं। चलिए ना जी, बहुत सारा चीज लेना है, बहुत सारा चीज। उतना तो पैसा नहीं है मेरे पास। आपके पास कब रहता है पैसा? हर समय हाई पैसा हाई पैसा करते हैं। मोह माया है समझे? एक भोजपुरी में रील अभी देखिए। पूरा नहीं हुआ, 30 सेकंड कमाना पड़ेगा। गाइस अभी वाइफ को मैंने यहाँ छोड़ा था, वो लेकर के बस आई रही, तो प्रैंक स्टार्ट करते हैं। हेलो बैंकॉक जाके सीखा था क्या? हाँ सुने हम भी हैं, लेकिन कि बैंकॉक से जो सीख के आता है ना, उसका जो है मतलब लेने का जो स्टाइल होता है बड़ा डिफरेंट होता है, नीचे से आगे से पीछे से गजब गजब स्टाइल में लेते हैं सब। हाँ सोचो ना किस्मत कितना अच्छा है, मतलब एक तो लेने वाला इतना अच्छा, ऊपर से शादी किया है उसका भाई है, हाँ उसका बड़ा भाई जो शादी किया है, भाभी इतना मस्त मिली है यार। हाँ अरे बड़ा बड़ा शहर में जो पढ़ाई करती है तुमको तो पता ही है कैसा होती है लड़की वो भी देने में खूब एक्सपर्ट, बाप रे बाप क्या जो देती है। अरे हम तो सही रिसेप्शन में गए थे, हम तो देख के दंग रह गए यार, मतलब वैसी भाभी मस्त एकदम, मतलब किसी का भी होश उड़ जाए। भगवान खूबसूरती अगर देता है ना तो दे तो ऐसा दे, वरना ना दे कि लेने में मजा आ जाए हाँ और क्या, अरे टांग उठा उठा करके। क्या बोला तूने?
कि बाप रे बाप गजब एकदम। वो भी लेकिन यार मतलब इतना जबरदस्त देती है ना उसकी भाभी, मतलब लेने वाला थक जाए लेकिन देते देते नहीं थकती है। लेट हो रहा है, चलना भी है, लेने देने लेने देने बस की जाए। सुनो ना, अरे तो लगन में तो अच्छा खासा कमाई हो जाता होगा लेकिन तुम्हारा नहीं। हाँ कितना पैसा लगा था एक महीना जो तुम रहा बैंकॉक में, जो लेने का ट्रेनिंग लिया वहां से, मतलब कौन वहां पे कौन देता था? अच्छा जल्दी मार्केट जाना, जल्दी लेट हो रहा है, एक मिनट में बात करना। अच्छा एक बजट एक बार हमको एक आइडिया बताना ना कि मतलब कितना खर्चा हो जाएगा। हम भी सोच रहे हैं कि पासपोर्ट तो बनिए गया है, जाते हैं बैंकॉक एक महीना, हम भी सीख के आते हैं। हाँ नहीं नहीं अरे मैं अरे ले तो लेते हैं लेकिन बीबी को खुश नहीं कर पाते हैं ना हम। हाँ हम सोच रहे हैं कि जैसे मनोज की जो ट्रेनिंग लिया जा करके लेने का, अब सोचो कितना, अब सोचो जो भी लड़की उसके टच में आती है कितना खुश होके देती है उसको, बाप रे बाप एकदम। मतलब हम लोग देखते हैं तो हम लोग एकदम सोचते हैं कि काश ऐसा लड़का, कैसा किस्मत हम लोग का कब होगा। अरे ठीक है 2.5 लाख रुपए खर्चे सही, 2.5 लाख रुपया खर्चा ही सही। एक मिनट तो जा करके सीख के आते हैं ना। बढ़िया से ट्रेनिंग लेंगे ना तो हम लेने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब मेरे वाइफ तो देने में एक्सपर्ट ही है। तो देगी यार हम लेंगे। अरे ठीक मतलब बोकारो में फेमस हो जाएंगे कि अगर किसी को देना है तो आशीष को दें। आशीष से लेने में एक्सपर्ट। एक दिल्ली का मनोज, एक बोकारो का आशीष। क्या हुआ जी, अरे हम सोच रहे हैं सीखने के बाद फायदा क्या होगा ना, मतलब बीवी को तो खुश करेंगे ही साथ में। अरे हाँ बीवी का तो लेंगे ही लेंगे साथ में, जो सोसाइटी में जो नहीं इसकी दोस्त लोग सब जो बनी है बारी बारी से सबका लेंगे। क्या हुआ जी, क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास क्या कर रहे हैं, आप ही के लिए सब कुछ सीख रहे हैं, मेरे लिए सीख रहे हैं तो क्या सोसाइटी में सबके लिए? सुनो हम एक बार बात करते हैं तुमसे, ठीक है? टिकट टिकट कटवा के रखो, हम रेडी होते हैं, समझाते हैं वाइफ को कैसे दिया जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या है ये बकवास? बकवास क्या है, जाके ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद अच्छे से सबका लेंगे एकदम। सबका लेंगे? अरे तो इतना अच्छा हुनर अगर मान लीजिए आपके पति को मिल जाएगा, लेके दिखाइए ना, सबका लेंगे। लेंगे नहीं क्या, सार्वजनिक संपत्ति समझ रखे हैं क्या किसी का भी? अरे यार तो जो भगवान अगर किसी को मान लीजिए आपको सुंदर बनाया है, हम लेते हैं, लेते हैं ना, लेंगे ना तो आपकी फ्रेंड लोग जो बाकी जो सब है जो थोड़ी थोड़ी जवान है तो उन लोग अभी कौन लेगा, सबका पति तो सबको सब ऑफिस में बिजी रहता है। आप सबको ठेका लेके रखे हैं क्या सबका? अरे तो मान लीजिए हम यूट्यूबर है ना जी, यूट्यूबर है तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो मतलब छोड़ देंगे आपको, लड़ाई झगड़ा क्या लगता है मेरे साथ, इसे बकवास मत। क्या आप बैंकॉक जा रहे हैं तो वहीं पे ट्रेनिंग मिलता है, तो हम क्या करें वहीं पे? इतना अच्छा वहाँ पे जानते हैं, एक है मास्टर वहाँ पे, उसके पास इतनी लड़की लोग सब है, वो लड़की लोग ऐसे टांग उठा उठा के देती है ना, लेना मजा। तू को बकवास मत क्या कीजिए, चलिए हम घर चली छोड़िए, हम नहीं आना कहीं भी। टांग आप जानते हैं मुंह बंद रखिए, दो तीन फ्रेंड को चूज कर करके आप घर पे लेके आइए रात में, ठीक है? रात में? हाँ रात में, शाम में जब भी आपको मन करे देखिएगा हम लेंगे। मुंह बंद सुनिए पहले, उसके बाद ट्रेनिंग ले करके जब आएंगे ना उसके बाद जो लेंगे ना, देखिए फर्क आपको अपने आप बुझा जाएगा। साला ये आदमी का फोन सब पटक देंगे, अभी बकवास कर रहे हैं। इज्जत इज्जत ना, इज्जत का प्यारा है ना तो अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से इतने से एकदम गंदा संदा मत बोला कीजिए। क्या गंदा संदा बोल दिया हम, क्या ये बकवास बोल रहे हैं आप? टांग उठा उठा के मेरे दोस्तों का लेंगे, क्या लेंगे? तो आप लोग टांग उठा उठा के पोज नहीं देते हैं? क्या पोज देते हैं? पोज देते हैं कि नहीं देते हैं? किस लिए फोटो लेने का बात कर रहे हैं, और क्या किस लिए और क्या लेंगे हम? टांग उठा उठा के यार, जो दिल्ली में दोस्त नहीं था मनोज मेरा, वही बैंकॉक गया था, वहाँ पे फोटोग्राफी को अच्छे से सीखा है, तो नया नया स्टाइल में फोटो लेता है वो, तो जितने भी लड़की लोग जो है ना इतना स्टाइल में पोज देती है, मतलब वो मतलब
क्या क्या एंगल नहीं आता है उसको, एकदम नीचे से ऊपर से आगे से पीछे से गजब गजब टाइप का फोटो लेता है एकदम। तो हम सोच रहे हैं यहाँ बोकारो में भी उस तरह का कोई फोटोग्राफर है नहीं, तो हम ट्रेनिंग जाके ले लेते हैं। आप लोग भी फ्रेंड लोग सोचिए कितना खुश हो जाएगी कि वाह मेरे दोस्त का पति जो है कितना अच्छा लेता है, हम लोग भी देंगे जाकर के। अरे फोटो का बात कर रहे हैं बकलोल, मैंने क्या जो सोचते रहते हैं अनसन पे, मतलब अनसन बोलिए पागल की तरह हम लड़ाई की समय सब रिकॉर्ड हो रहा है। टांग उठा उठा के हम लोग फोटो लेते हैं, तो ऐसे से करके भी स्टाइल देते हैं, मार खत्म कर देंगे आपको समझे। बकवास कौन सा आता है यार, बकवास आइडिया आपके पास, गंदे इंसान नहा धो के बैठे गंदे बोल रहे हैं हमको, आपसे ज्यादा साफ दिख रहे हैं, सामने से साफ दिख रहे हैं तो क्या अंदर से कितने गंदे हैं आपको पता है हमको भी, जो आप बोल रहे हैं जिस तरीके का डर्टी माइंड इंसान। अरे पोज हमको नहीं चाहिए, फोटो लेंगे इतना अच्छा फोन लिए हैं इसे फोटो लेंगे।